नमस्कार, मैं अमन और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मध्य प्रदेश के खंडवा से एक हिंदू लड़की पर धर्मांतरण और निकाह के लिए दबाव डालने का मामला सामने आया। आरोपी सलमान खान लड़की के मोबाइल पर गंदे मैसेज भी भेजता था। रिपोर्ट के मुताबिक निकाह नहीं करने पर लड़की के पूरे परिवार की हत्या की भी धमकी दे डाली। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने सलमान को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के तहत कार्रवाई की गई है। खबर के मुताबिक घटना खंडवा जिले के पिपलोद क्षेत्र की है। वहीं गांव की रहने वाली पीड़िता को आरोपी लंबे समय से परेशान कर रहा था। एक दिन बाद जब वह शहर से एसएन कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गई तो सिंगोट के रहने वाले सलीम खान के बेटे सलमान खान ने उसे गेट पर ही रोक लिया। आरोपी ने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की और धमकी दी और अगर वह धर्म परिवर्तन कर उसे निकाह नहीं करती है तो उसे और उसके परिवार की हत्या कर देगा। प्रताड़ना से तंग आकर युवती ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी। इसके बाद परिवार के लोगों के साथ वह शहर कोतवाली गई और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस को दिए गए अपने बयान में पीड़िता ने बताया कि सलमान खान उसे कई दिनों से परेशान कर रहा था और मोबाइल पर आपत्तिजनक मैसेज भी भेजता था। पीड़िता ने कहा, वह मुझ पर बार बार धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल और निकाह करने का दबाव डाल रहा है। पीड़िता ने कहा है कि गुरुवार को जब मैं एसएन कॉलेज में ऑनलाइन एडमिशन के लिए गई तो वह गेट के बाहर उसने मेरे साथ छेड़खानी की। पीड़िता ने पुलिस से और कहा कि उसके परिवार को सुरक्षा देने की मांग की है। बरार इंडियन पीनल कोड की धारा 354D, 354, 354C, 506 और धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के तहत केस दर्ज किया गया है। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज।